वो देखो जाओ बोले बोले वो बोले, ये देखो दे पर बहुत गंदी बदबू आ रही है अभी यहाँ से। बाप रे, ये सुअरों ने सारे डर आए थे तो बाघ ने मारी थी, तो अब पूरे सारे जितने भी सुअर थे वो सुबह इनको खा रहे थे। अब ये रहे जी नाखून, देखो गले में ये देखो। अरे गाय थी इनकी दीना भाभी औरों की, अगर आगे तक मेरी वीडियो जाती है तो इनको इन दोनों गायों का मुआवजा दिया जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राज खुशी होंगे। मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। जैसे कि हमने बताया कि एक दो दिन से कुछ अच्छा नहीं हो रहा हम लोगों के साथ में। कल देखो सुबली जल गई थी, और आज जो दो गाय थी उनको कल शाम को बाघ ने मार दिया गया है। तो मेरे साथ है भाभी जी, और दो भाभी नीचे से आ रही है। तो मतलब वो दूध देने वाली गाय थी। आजकल जो दिल्ली से छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं तो सब उन्हीं से दूध लगा रहे थे, तब वो भी साधन बंद हो गया। दोनों गाय को बाघ ने मार दिया है ऊपर, तो वहीं जा रहे बंजवाड़ के नीचे में। मैं हूँ, भाभी है, सुभाष है, दो भाभी और आ रही हैं तो देखने के लिए कि किस प्रकार से उसे मारा गया है। और उनके छोटे छोटे बछड़े भी थे ना, बछड़ा भी का, तो दो बछड़े भी हैं उनके छोटे छोटे। अब पता नहीं वो कैसे रहेगी। अभी एक तो फिलहाल अभी ब्याही थी एक दो महीने पहले, और वो भी कैसे रहेगी पता नहीं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मारा है, कैसे मारा है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, और मौसम देखिए चारों तरफ धूप लगी हुई है, और जंगलों में भी आग लगी हुई है। इस कारण से बाघ घरों की तरफ आने लग गए हैं। तो देख सकते हो सभी लोग जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, ऊपर बंजवाड़ में। वहीं पे कहीं पे कल भाई लोग देख के आए थे रात को, शाम को मतलब 5-6 बजे के करीब में, और अब हम सभी लोग जा रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से मारा हुआ है उनको, क्योंकि दूध देने वाली थी। दुख इस बात का है, और जो आजकल बच्चे आ रहे हैं दिल्ली से लोगों के परिवार, तो इन्हीं से दूध लगाते थे वो, और वो भी चली गई है। तो ये है हमारी दीना भाभी, इन्हीं की गाय थी वो दोनों। दो लाइन दे चाय ना बिंदौर, एक दो दिन चाय, अरे एक बिंदौर चाय अभी। अच्छा अच्छा 2 महीने बाद वो बिहान से। अब वो एक छोटा छोटा बच्चा था, वो कन के बचना वो लावा है, है? दूसरे गाय का। अच्छा तो इन्हीं की गाय थी वो। और वो देखो बोले ये देखो जी ऊपर जा रहे, पूरी डार की डार आ रखी है। ये देखो वो देखो वो देखो पूरी डार की डार उन्हें खाने आई थी। देखो वो देखो जंगली, सब जंगली सुअर खा रहे थे। देख सकते हो ये देख रहे हो कितने सारे आ रखे थे खाने के लिए। वो देखो वो कद गच्छी, वो देखो कितने सारे हैं वो बोले। ये देखो जी एक ही है देखो। ये देखो एक गाय नीचे मार रखी है लाल कलर की, और एक ही है देख लीजिए, ये है पूरी वाइट। ये देखो एक ही से मार रखी है, टैग भी लगा होगा इसमें तो। पर बहुत गंदी बदबू आ रही है अभी यहाँ से। बाप रे, ये सुअरों ने सारे डर आए थे तो बाघ ने मारी थी, तो अब पूरे सारे जितने भी सुअर थे वो सुबह इनको खा रहे थे। अभी देखा आपने कैसे भागे, पूरे कम से कम 10-15 सुअर थे मिलके खा रहे थे। देख सकते हो
ये के मार दी है और ए को नीचे मार दी है, और अब सुअर खा रहे थे इनको, पूरे जंगली सुअर अभी भाग गए हैं ऊपर पहाड़ियों की तरफ। यहाँ पूरे 10 से 15 सुअर थे, पूरी डार की डार थी उनकी। ये देखिए जी, ये वाइट कलर की है और ये नीचे रेड कलर की है, और गाय थी इनकी दीना भाभी औरों की। ये है जी कंडीशन। ये अगर ये वीडियो सरकार तक जा रही है तो थोड़ा बहुत इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये नई गाय लेकर आए, ये इतना नुकसान हो गया इनका। देख सकते हो दूध को दिन चाहिए वाली। हाँ, तो इसके पेट में बच्चा था, इसको भी मार दिया है, और वो दूध देती थी उसको भी मार दिया है। और जो मतलब आजकल हम लोग भी आ रखे, हम लोगों ने भी इन्हीं के सारे दूध पीते थे, इन्हीं से लगा रखा था दूध। अब वो भी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि गाय तो दोनों मर चुकी है। और तो अगर सरकार तक वीडियो जा रही है तो मेरी उम्मीद है, अगर वैसे मुआवजा करने भी आएंगे जंगलात वाले आएंगे, तब तक तो सुअर इनको खा देंगे। अब ये तो नहीं है कि हम इनकी चौकीदारी करने के लिए घर से यहाँ तक बैठे रहे रात रात भर, नहीं जी। अब बदबू इतनी आ रही है यहाँ पे तो क्या बताऊँ मैं, तो तब तक शायद सुअर साफ कर जाए इन्हें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आगे तक मेरी वीडियो जाती है तो इनको, इन दोनों गायों का मुआवजा दिया जाए जितना भी सरकार से हो सकता है, और ये ताकि नई गाय लेकर आए। ये देख सकते हो एक नीचे बिल्कुल हो रही रेड कलर की, ये और एक ये रही वाइट, जिसको ये पूरा थोड़ा सा ही बची हुई है, लगभग आधा सुअर खा चुके हैं। तो ये देखिए जी, ये दो नाखून मार रखे हैं बाघ ने, ये देखो हटी रहे तो दूर हुई। हाँ ये तो रहे नाखून, ये देखो ये रहे जी नाखून, देखो गले में, ये देखो ये नाखून मार रखे हैं, देखो गले पे एक ये है और एक ये है। ये देखो जी, बहुत खतरनाक बदबू आ रही है। चल यार, इस पे टैग भी लगा हुआ है, ये देखिए जी। ये है टैग, ये टैग नंबर है, देखिए जी ये है इसका टैग नंबर, ये टैग लगा हुआ है इस पे। तो चलिए जी, नीचे की तरफ आ गए हैं, क्योंकि बहुत गंदी वहाँ बदबू आ रही है। नाखून थे, नाखून भी हमने दिखा दी है प्रूफ के लिए। अब क्योंकि खड़ा नहीं रहा जा रहा वहाँ पे, वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनाई मैंने, क्योंकि बहुत तेज बदबू आ रही है वहाँ पे। और तो सुअर अब आ रखे थे पूरे, कम से कम 14-15 सुअर थे। एक को तो उन्होंने साफ कर दिया, ऊपर वाले को लगभग थोड़ा सा बचा हुआ है, वो पूरा खा चुके हैं उसको। और इसको भी अब लग रहा है कि शाम तक तो ये भी साफ हो जाएगा। और जो गले पे नाखून थे वो हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा दिए गए हैं।